नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट 6 के चित्र में तीन कांच के बर्तन हैं, एक ग्लास है और दो जार हैं। ये खाली है और इसमें आधा जल भरा, इसमें भी आधा जल भरा ग्लास में। एक पेंसिल, इसमें पेंसिल डाला गया है ग्लास में। तो हम देख रहे हैं जहाँ से पानी दिख है वहीं से ये तिरछी दिखाई दे रही है। और यहाँ देख रहे हैं कि जब हम पानी नहीं है तो देखते हैं तो ये तली में सिक्का पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो सिक्का हमें नज़दीक दिखाई पड़ता है और कुछ बड़ा भी दिखाई पड़ता है। ये आपने सोचा ऐसा क्यों? आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और आपकी बाल किसी स्वच्छ जल पोखरे या टंकी में गिर गई तो आप लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बाल बड़ी हो गई, और बाल को निकालने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि ये तो और नीचे है, दिखाई तो ऊपर पड़ रही है, लेकिन जब उसको निकालते हैं हाथ से तो पता चलता है वो तो नीचे है। तो आपने सोचा ऐसा क्यों? सोचेंगे तो किसी ये कोई साइंस का नियम ही लागू हो रहा है यहाँ, तो बता सकते हैं क्या है? तो ये नियम, क्योंकि प्रकाश जो होती है एक माध्यम में सरलरेखा में चलती है, लेकिन क्या आपने सोचा कि दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है, क्या वो उसी सरलरेखा में जाती है कि वो अपने मार्ग से इधर उधर भटकती है या विचलित होती है? तो ये क्यों हो रहा है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। इसी ये अपवर्तन के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। जैसे नींबू का है, उसको पानी में डाल देंगे तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, या पेपर पढ़ रहे हैं और कांच का गुटका उस पर रख दीजिए तो जो लेटर होते हैं अक्षर होते ऊपर दिखाई पड़ते हैं। ये सब किस कारण होता है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यही प्रकाश का अपवर्तन, ये घटनाएं किस कारण घट रही हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण घट रही हैं। तो देखिए, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ दो किरण आरेख खींचे गए हैं, ध्यान दीजिए। ये माध्यम को अलग करता है रेखा, इधर वायु है और इधर कांच है। और इधर क्या है? कांच ऊपर है, वायु नीचे है। एक किरण OA इस पर कांच वायु से कांच में प्रवेश करती है, और इस पर एक अभिलंब खींचा गया N1 N2 अभिलंब खींचा गया है। आपतित किरण इस पर पड़ रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। ये जो ही कांच में आती है, ये अभिलंब की तरफ, ये 90 अंश के बनाते हुए खींचा, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ क्या है? मुड़ जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ कोण I बनना जिसे आपतन कोण कहते हैं, यहाँ कोण R बन रहा है जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये किरण देख रहे हैं कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, झुक रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच सघन है। कांच क्या है? सघन है। और यहाँ देख रहे हैं कांच और नीचे वायु है, और आपतित किरण है वो अभिलंब से दूर हट रही थी। इसका अर्थ हुआ कि सघन माध्यम से प्रकाश किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। इन सब घटनाओं पर के आधार पर कुछ नियम बनाएंगे जिसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके दो नियम हैं। देखिए, प्रकाश किरण अपवर्तित किरण सॉरी आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों का तल एक ही है, जैसे ये खींचा गया तो ये कागज़ का ही तल है, एक ही तल में होते, ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी दोनों का अनुपात स्थिर होता है। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, कांस्टेंट नियतांक भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, यानी इस नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड लॉ को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसे यंग से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।